Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. यस थैंक यू. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. कल 22 फेब, डबल एक्साइटमेंट है. हमारी एनिवर्सरी भी है और हमारे प्रोडक्शन का, कल प्रोडक्शन का पहला प्रोजेक्ट रब ने मिलाई धड़कन जो है कल आप सबके सामने आने वाला है. तो यस एक्साइटमेंट तो है. क्यों? बहुत ज़्यादा मतलब इतने महीनों से वो पेट के अंदर दबा के जो तैयारियाँ कर रहे थे, अब फाइनली कल जो पूरा रेडी प्रोडक्ट है वो आपके सामने आने वाला है. दोनों का सपना था जो अभी फाइनली हकीकत का रूप ले रहा है, पूरा हो रहा है. एक्चुअली हमारे जो भी काम होते हैं वो हम दोनों ही सोच समझ के कि अच्छा ये करना चाहिए नहीं करना, ये तो था हम लोग का प्लान पिछले काफ़ी वक्त से. हम लोग, हमारे एक ड्रीम था कि हमें प्रोडक्शन हाउस खोलना है और मैडम को प्रोड्यूसर साहिबा का टैग देना है. तो फाइनली अभी वो पूरा हुआ है. इंशाल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर. ज़रूर पूरी कोशिश रहेगी. ऑब्वियसली बात है, सिर्फ एक गाने पे नहीं रुकना है. तो सॉन्ग्स भी आपको देखने मिलेंगे, हो सकता है वेब सीरीज भी आपको देखने को मिले, या शॉर्ट फिल्म्स आपको देखने को मिले, या शोज भी आपको देखने को मिले, या फिल्म्स भी आपको देखने को मिले. तो यस टारगेट तो रहेगा. बाकी कितनी चीज़ें वर्कआउट होती हैं वो वक्त आने पर धीरे धीरे आपको सबको पता चलता जाएगा. इनपुट तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि सॉन्ग जब आया तब सुन के लिरिक्स डेवलप करवाए, म्यूज़िक डेवलप करवाए, हर चीज़ में पूरी तरह से दोनों का इनपुट था. एंड तो वो म्यूज़िक वगैरह डेवलप करवाने का डिपार्टमेंट थोड़ा इनका ज़्यादा है, वो चीज़ें मुझे थोड़ी कम समझ आती हैं. स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन की क्या होगा, मोमेंट्स क्या होंगे, स्टोरी क्या होगी, वो सारी चीज़ें तो इन्वॉल्वमेंट तो बहुत था. इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल भी है ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स आर बेबी फ्रॉम स्क्रैच. ऐसा लगता है कि इतना बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली बात है वक्त कम है. लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है और आपका बेबी हमेशा आपके लिए बहुत ही मायने रखता है ना. Correct. तो ये हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है. करेक्ट. ये राज है मेरी सपोर्टिव फैमिली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज किसी के लिए भी, नॉट ओनली फॉर अ लेडी, इवन फॉर अ मैन टू गो आउट एंड वर्क, एक फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड एट द सेम टाइम जब आप घर पे हो, जब आप आराम कर रहे हो, तब भी आपका फैमिली का साथ रहना और वो बॉन्ड सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है. कुछ भी ज़िंदगी में कुछ भी अकेले मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से मुमकिन है. सो दैट्स द सीक्रेट. बहुत सी हमारा सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि हम जैसे हैं लोग हमें वैसे पसंद करते हैं और उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं. लाइफ को मुझे लगता है कि बहुत सिंपल ही जीना चाहिए. यस, अगर डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेबल हो. ऐसा नहीं है कि हम चीज़ें नहीं करते, हम भी चीज़ें करते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि हम जितना सिंपल हो सके, जितना अपने में हो सके, बिना शोशा के, बिना शो ऑफ के, हम अपनी लाइफ हैप्पीली, खुशी खुशी, एक्चुअली में हैप्पीली सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं, रियल लाइफ में भी हैप्पीली हम उसको जी सकें और जीने की कोशिश करते हैं. क्योंकि लाइफ क्या है, सीरियसली कुछ नहीं है. कितना आप भी आप टेंट्रम दिखा लो, शूशा कर लो, जितना सिंपल रहो उतना अच्छा है. और हम और लकीली हम दोनों एक दूसरे को वैसे ही मिले हैं. Correct. कि वो भी वैसे ही हैं, हम भी वैसे ही हैं, और हमारे घर सब इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं. तो एक्चुअली हमेशा रिएक्ट नहीं करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कभी कभी जब पानी थोड़ा सर से ऊपर हो जाता है, सिर्फ तब एक जवाब लगता है ज़रूरी है, तभी देते हैं. नहीं तो हम दोनों ने हमेशा से ये समझा है कि जब आप एक पब्लिक फिगर बनते हो तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों के लिए रेडी होना चाहिए. अब वो सामने वाले का नज़रिया है, वो उनका लुकआउट है, उसे आप नहीं बदल सकते. तो इट्स एग्जैक्टली द सेम की, और हमारे केस में हमें ये चीज़ और ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो जो बुरे कमेंट्स वाले हैं वो इतने से हैं और जो हमें प्यार देते हैं वो बहुत ज़्यादा. देखिए लाइफ में नेगेटिविटी हमेशा आपको हर जगह हर स्टेज पे मिलेगी. वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको फोकस कहाँ करना है. और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में नेगेटिव
नेगेटिविटी का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेगेटिव लोग का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो आपको नीचे नहीं खींचेंगे, नीचे नहीं गिराएंगे, आपको उठने का मज़ा नहीं आएगा। तो एक तरीके से वो ये हमें और प्राउड फील कराता है कि लाइफ में ओके हम कुछ हैं, वरना आज की डेट में कोई इंसान किसी के लिए 2 सेकंड भी ज़ाया नहीं करता है। वो हमें आते हैं मतलब कमेंट्स लिखना चीज़ें, तो बहुत मैटर करता है कि भाई हम कुछ तो हैं, तो ठीक है, बट सबका अपना अपना टेस्ट है। तो जो हमारे हेटर्स हैं वो भी थैंक यू, और जो हमें प्यार करते हैं तो उनके लिए भी, वो तो दिल से है ही, उनके लिए थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सॉन्ग को इतना प्यार करने के लिए, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए और प्यार करिए। कल 11 बजे 22 फरवरी को 11 बजे पे गाना आएगा, प्लीज़ देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं हम सब के, पहला है तो आपसे यस प्लीज़ 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 कल देखिएगा।